सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। अंतरंग भजन उड़ंजा कर साध संगत जी सेवा ओ कर। साध संगत जी सेवा जिता मिलन संगत की सेवा। बाबा साधन जी दे सेवक दे तू। लोक बिनीस रहो रह दे तू। जमपुर जा दुख ना सह दे तू। ला दे सेवा। साधन जी सुखदाई वेद पुराण साख सुनाई। गोविंद मुख सा मेहमा गाई। नारद कई निश्चे कर विदास उधरिया। सेवा सा सब पार उतरिया। पूज है तह नर देवा। कर साध संगत जी सेवा। कर साध संगत जी सेवा। कहिटे सेवा ते थी पर सन साई। बिंदई मुक्ति अभेवा। पर साथ संगत जी सेवा। पर साथ संगत जी सेवा। राग तलंग भजन गुंचास। कर साध संगत जी सेवा। जिता मिलन दई मिठड़ा मेवा। जिज्ञासु को सदुपदेश देते हुए इस भजन में सदगुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि सत्संग में जाओ, संत महापुरुषों सज्जनों की सेवा करो, जहां से तुम्हें मीठे फल प्राप्त होंगे। फल कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ तुम्हें प्राप्त होंगे। साधन जीजे सेव कंदे तू। लोक बिनी सुर हो रह दे तू। अगर मन लगाकर निष्काम सेवा करोगे तो इस लोक में और परलोक में तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे, सुखी रहोगे। जमपुर जा दुख ना सह दे तू। लहन दे सुख अखेवा।
यम यातना तुम्हें भोगनी नहीं पड़ेगी, आनंद और सुख की तुम्हें प्राप्ति होगी। सेवा साधन जी सुखदाई, वेद पुराणन साख सुनाई। वेद शास्त्र पुराण बताते हैं कि जो सत्संग में जाता है, अपने मन को प्रभु के चरणों से जोड़ता है, संत महापुरुषों की सेवा करता है, उसे सुख की प्राप्ति होती है। गोविंद मुख सा महिमा गाई, नारद कई निश्चेवा। स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से सत्संग की, साध संगत की और सेवा की महिमा बताते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पे मेरे भक्तगण मेरा भजन कीर्तन सुमरण करते हैं, वहीं पर मेरा निवास है। ये भगवान ने अपने श्रीमुख से नारद को भी ये बात सुनाई। सेना सदना धना सुधरिया, बाल्मीक रविदास उधरिया। सत्संग के द्वारा जो कैसा भी कर्म करने वाले थे, उनका भी उद्धार हो गया। सैने का उद्धार हो गया, सदने कासाई का, धन्ने का, वाल्मीकि जी, रविदास जी, इन सब का सत्संग के द्वारा ही बेड़ा पार हो गया। सेवा सा सब पार उतरिया, पूजन तिन नर देवा। सेवा करके वो संसार सागर से पार हो गए। मनुष्य और देवता उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए वो सम्मानित बन गए, उच्च पदवी उन्होंने प्राप्त कर ली। कहे टेऊं जे मुक्ति चाहिए, संतन जी कर सेव सदाई। अगर मोक्ष मुक्ति शांति को प्राप्त करने की इच्छा है तो संत महापुरुषों की सेवा करो। सेवा ते थी प्रसन्न साई, दीन्दु मुक्त अभेवा। ईश्वर परमात्मा निष्काम सेवा पे प्रसन्न होते हैं और तुम्हें मोक्ष मुक्ति रूपी परम पदार्थ की प्राप्ति होगी। तो इस भजन में सत्संग की और संत की, सज्जनों की सेवा की महिमा गुरु महाराज जी ने बतलाई। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी, हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊं राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊं राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ,
सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।